मित्रों नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पशु पक्षी पर। अगर आपकी दिलचस्पी पशु पक्षी में है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो आपको बड़ी अच्छी अच्छी पशुओं पर मिलने वाली हैं और हमारे पास पहले से भी कई तरीके की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों ये वीडियो खास करके ये गाय के श्रृंखला पर है जो हमारी भारतीय देसी नस्ल की गाय हैं उनके ऊपर आधारित है। वैसे भारत में विभिन्न भागों में जलवायु के अनुसार पशुओं की शारीरिक बनावट एवं गठन में भिन्नता देखने को मिलती है, तो इसमें बहुत सारी गायें आपके पास आ जाती हैं। इस वीडियो में आपको अमृत महल नाम की गाय के बारे में कुछ बताने की हमने कोशिश की है। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप अपनी तरफ से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अमृत महल नामक गाय हमारे दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर आसपास की जो ज़िले हैं, कर्नाटक के हसन, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दुर्ग जिलों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इस दक्षिण भारतीय अमृत महल नाम की गाय को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि बुड्ढा दाना, जवारी दाना, नंबर दाना व जवरी दाना के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये अमृत महल का नाम कर्नाटक के मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने इनको ये अमृत महल नाम दिया है, जो 1572 से लेकर के 1636 तक ये राजघराने परिवार के अभिन्न अंगों में से थी, तभी इनका नाम अमृत महल गाय के नाम से पड़ा है। ये मैसूर के राजघराने में रही हैं और इनको अमृत महल का नाम इसलिए दिया गया है, अमृत से आशय है कि अमृत समान दूध, और महल मतलब महल में रहने के लिए इनका वास होता था, तो अमृत महल के नाम से जानी जाने लगी। खास करके दूध तो महल के राजघराने में काम आता ही था, साथ में कभी लड़ाई में जो सामान ले जाना होता था इनके बैल हमेशा ले जाते, परिवहन में इनका उपयोग होता था, जो लड़ाई में आने जाने वाले सामान होते थे उनको ढोने का काम ये ज़्यादातर करते थे। अमृत महल गाय ये नस्ल अत्यधिक ऊर्जावान एवं कार्यकुशल होती हैं। इनके बैल खेती एवं यातायात परिवहन के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, परंतु इन गायों की दुग्ध क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। इनका रंग सफ़ेद से काले रंग तक विभिन्नता लिए होता है। चेहरा, नाक एवं पूंछ सामान्यतः काले रंग के होते हैं, लेकिन बूढ़े एवं अधिक आयु वाले गोवंश में ये रंग हल्का हो जाता है। इस नस्ल में गाय का रंग श्वेत, बैल का रंग हल्का सफ़ेद, जबकि सांड का रंग गहरा या हल्का भूरा लिए हुए मिश्रित होता है। इस नस्ल की विशिष्टता इनके सिर व सींग में है, जो नुकीले, लंबे, आगे की ओर हल्के से झुके हुए होते हैं। सींगों का नुकीलापन भी सिरों पर तीक्ष्ण होता है। कभी कभी इनके सिर पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए भी नजर आ जाते हैं। आंखें चमकदार, कान छोटे, धरती के समानांतर एवं आगे की ओर सिरेदार होती हैं। कुबड़ पूर्ण विकसित एवं थोड़ा सा आगे की ओर प्रक्षेपित होती है। पैर की लंबाई मध्यम शरीर के अनुपात की होती है। इनकी त्वचा पतली, चिकनी, गहरे काले रंग की एवं छोटे रोमेदार होते हैं। इनका बांक यानी थन की छीमी छोटी परंतु थन सख्त होते हैं। इनके गले में जो गल कंबल यानी झालर होती है वो अपेक्षाकृत कुछ छोटी व कम लंबी होती है। खुर भी छोटे व कठोर होते हैं। बैल का वजन 500 किलोग्राम तक होता है, जबकि गाय का वजन 300 से लेकर के 325 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल की गायों में दुग्ध उत्पादन क्षमता एक ब्यात में 500 लीटर से लेकर 600 लीटर तक दुग्ध का उत्पादन होता है। तो मित्रों ये आपको अमृत महल नामक गाय के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अमृत महल गाय के नामक जानकारी अच्छी लगी है तो इस गाय के बारे में अपने मित्रों को ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत कर लें। हम आपको इसी तरीके की अच्छी से अच्छी जानकारी भरी वीडियो देते रहते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सब बखैर, बाय बाय मित्रों।